छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में राजनीति सिद्धांत का भाग दो का अध्ययन करेंगे। अध्याय एक, हमने इसके पूर्व पढ़ा था कि राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है। अब हम आज यहाँ पर देखते हैं कि हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्यों पढ़ना चाहिए और किस प्रकार, मतलब राजनीति विज्ञान का क्या जो सिद्धांत है वो, उसका क्या महत्व है या उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिलेंगे कि किस प्रकार हमें राजनीतिक सिद्धांत के पढ़ने से किस प्रकार मानव जीवन सुखमय बन सकता है, क्योंकि वो एक राज्य में रहता है, हम राज्य के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो हमें ये बहुत ही आवश्यक है, राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करना बहुत ये आवश्यक हो जाता है कि हमें क्यों करना चाहिए। तो जो डॉक्टर वाइट ने लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में तो है ही, और भावी शिक्षा में भी, मतलब भविष्य में भी, हम ये एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्धांत होगा। राजनीति सिद्धांत में क्या करते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंग के बारे में पढ़ते हैं, और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका पहला पॉइंट है राज्य संबंधी ज्ञान। राज्य संबंधी ज्ञान कि हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो जन्म स्थान है, राज्य का पूर्व में राज्य कैसा था और उसको अच्छा बनाना है, तो भविष्य में भी उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। हम उसमें निवास करते हैं राज्य में, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका धीरे धीरे विकास कैसा हुआ, और उस राज्य के व्यक्ति, समाज और राज्य के हमें पारस्परिक संबंधों का क्या ज्ञान होता है। इस प्रकार राजनीति सिद्धांत से हम राज्य संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम राजनीति सिद्धांत इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमें संविधान तथा शासन प्रणाली का और सरकार और साथ में तुलनात्मक ज्ञान भी प्राप्त होता है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा भारत का संविधान है, हमें उसके जो नियम लिखे हैं उनका पालन करना, राजनीतिक व्यवस्था, सरकार और शासन प्रणालियों का हमें ज्ञान होता है, और इस प्रकार नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है, और हम तुलना करके दूसरे राष्ट्र से और अपने राष्ट्र की शासन प्रणाली की तुलना करके हम अपने देश की शासन प्रणाली में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार संविधान, सरकार और शासन प्रणालियों का हमें तुलनात्मक ज्ञान होता है। किसके अध्ययन से, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान। विचारधारा मतलब महत्वपूर्ण कुछ जो राजनीतिज्ञ हुए हैं, जैसे मैक्सी हैं, ये प्रोफेसर मैक्सी, सबने अपने अपने, रूसो, प्लूटो, अरस्तु, सभी ने अपने अपने राजनीतिक विचारधाराओं को प्रस्तुत किया, तो हमें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बिना विचारधारा के कोई भी हम सिद्धांत को नहीं बना सकते हैं। तो मैक्सी ने क्या लिखा था, राजनीतिक विचारधाराएं सदैव ही महान प्रेरक शक्तियों में एक रही हैं और आज भी हैं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का हमें क्या कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, क्योंकि विचारधारा के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में रचनात्मक कोई भी आधुनिक परिवर्तन हमें उत्पन्न करवाता है। इसके बाद है दूसरा है राजनीतिक चेतना का विकास। संविधान में विभिन्न पदों को व्यक्ति धारण करते हैं, नागरिक धारण करते हैं, यदि वो राजनीतिक सिद्धांत को नहीं पढ़ेंगे तो वो नागरिक अपने देश की राजनीति में भाग नहीं ले पाएंगे,
और हम जागरूक नहीं होंगे तो इस प्रकार हमें राजनीतिक चेतना का क्या होता है, विकास होता है। जितनी अधिक राजनीतिक चेतना होगी राष्ट्र में, तो वो राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण, उनका समाधान आसानी से कर सकता है। वह राष्ट्र उतना ही सजीव और लोकप्रिय होगा, और सजीव लोकतंत्र का एक आदर्श उदाहरण, मतलब अच्छा माना जाएगा। लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमें इसलिए करना है कि नागरिकों में राजनीतिक चेतना हो, सजग जनमत हो और स्वस्थ एवं लोकप्रिय शासन प्रणाली हमारे यहाँ विकसित हो सके। पांचवा है अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना। अब नागरिकों को भी कुछ अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, यदि वो अध्ययन नहीं करेंगे तो उनसे जितनी योजनाएं हैं उनसे वो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो समाज द्वारा सुसंस्कृत मानव समस्त प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, जब वह बिना कानून और न्याय के जीवन व्यतीत करता है। यदि कोई कानून नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा, तो वो भयंकर हो जाता है, मतलब बहुत सारी विडंबनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो हमें नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति क्या रहना है, सजग करना है और कर्तव्यों का पालन करना है। और एक कर्तव्य रूपी वृक्ष के बिना हम कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें अधिकारों और कर्तव्यों में क्या बिठाना है, सामंजस्य बिठाना है। फिर है छठवां, मानवीय गुणों का विकास करना। आपने देखा है ना कि परोपकार, सेवा, अनुशासन, सहयोग, ये सब मानवीय गुण हैं। तो राजनीति सिद्धांत से हमें सहयोग की भावना का विकास होता है, और हम बिना जाति, धर्म, रंग भेद आदि को क्या करते हैं, बिना भेदभाव किए हम में ये भावना जागृत होती है कि सारे गुण, सहयोग, त्याग, आज्ञा पालन, ये मानव में विकसित हो जाते हैं। तो मानवीय गुणों का क्या होता है, विकास होता है। किससे? राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करने से। ये राजनीति सिद्धांत का महत्व है, उद्देश्य है, या किस प्रकार ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। फिर है सातवां, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। जब हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में राष्ट्र के प्रति एक विशेष प्रेम भक्ति जागृत होती है, और हम अपने राष्ट्र की अखंडता और उसकी एकता की रक्षा करके ये हम अपना सहयोग देते हैं राष्ट्र को। और राष्ट्र भक्त या जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है वो राष्ट्र को सर्वोपरि महत्व देता है। और इस प्रकार हम सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता और प्रांतीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता के शुद्ध धरातल पर आ जाते हैं, और हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास होता है। आठवां है लोकतंत्र की सफलता के लिए उपयोगी। भारत में लोकतंत्रात्मक देश है भारत, या कोई भी लोकतंत्रात्मक देश है, तो हमें उसकी लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें हम अपने वोट का भी प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से एक अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और हमें विभिन्न विचारधाराओं के बारे में मालूम पड़ता है, वो भी अध्ययन से, कि नागरिक निर्वाचन में कैसे भाग लेगा, मतदान कैसे करेगा। तो ये सारे लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ही अच्छा है, किसका, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना। फिर है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कानून एवं संस्थाओं का ज्ञान। संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अन्य राष्ट्रों से हमारे क्या संबंध हैं, तो किसी भी एक राष्ट्र की किसी भी राजनीतिक वैसे हम क्या कर सकते हैं, स्थिति से तुलना कर सकते हैं और अपने को और सफल बना सकते हैं। अभी देश में प्रथम विश्व युद्ध हो चुका,
दूसरा विश्व युद्ध हो चुका, हम नहीं चाहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध हो। तो हमें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच अच्छे संबंध बनाने चाहिए ताकि हम विवाद और युद्धों को क्या कर सकें, रोक सकें। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। वही है जो पहले अभी पढ़ा रहा है कि जब हम दूसरे राष्ट्रों से अपने देश में एक विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करेंगे, हम वहाँ की शासन व्यवस्था, राजनीतिक विचारधारा सब सहयोग की भावना रखेंगे, तो हम पूरे विश्व को एक एक परिवार के रूप में हम मान सकते हैं। और जब परिवार एक रहेगा तो हम युद्ध के विनाश को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। निःशस्त्रीकरण का हमें अस्तित्व अपनाना है ताकि जो भयंकर परिणाम होते हैं युद्ध से वो रोके जा सकें। इस प्रकार हम एक विश्व राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं और पूरे विश्व में एक आदर्श विश्व, शांति वाला विश्व क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये था महत्व। अगला इसका पॉइंट है कि इस प्रकार हम अंतरराष्ट्रीय भावना से विवादों को रोकते हुए हम राजनीतिक सिद्धांत का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और एक लोक कल्याणकारी राज्य, तांत्रिक शासन व्यवस्था और सहयोग से हम राजनीतिक सिद्धांत का एक अच्छा पर्याय बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत से पढ़ने से नागरिकों में एक तार्किक क्षमता उत्पन्न होती है और उसमें अपने देश को अच्छा बनाने के लिए भावनाएं पैदा होती हैं। जो पढ़ते हैं तो छात्र छात्राओं को वाद विवाद में भाग लेना और भी अच्छी सुझाव आप उसको दे सकते हैं अपने देश के प्रति। इसलिए हमें राजनीति सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लिख सकते हैं कि हमें राजनीति सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए या राजनीति सिद्धांत के अध्ययन का क्या महत्व है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।